झारखंडी भाई सोना रकम झारखंड छोड़ी हमने परदेश का है। ये जो लाइन है आप गा रहे हैं, सोना रकम झारखंड छोड़ी परदेश क्यों जाए। हाँ। और परदेश का जो अभी आके सोना झारखंड में आ रहा है और वो कलाकार आ रहा है यहाँ रंग बिखरने के लिए, जी बिल्कुल, आपको कैसा फील हो रहा है? यहाँ के जो कलाकार है उनको आप भूल भूल करके और बाहर से बाहरी कलाकारों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को भूल जा रहे हैं। यहाँ दुख की बात है, हमारे लिए तो दुख की बात है। अपॉर्चुनिटी आप लोग को नहीं मिले तो आप लोग फिर क्या कीजिएगा, आप तो बेघर हो जाइएगा। बिल्कुल, कुछ दिन हम लगे किसान के बेटा हार ज्योति खाए, माटी संगे लड़के सोनवा गायब हो झारखंडी भाई। क्या फायदा है खोटा भाषा करके, इतना दिन से सतीशा गा रहे हैं, आज तक कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला है उनको, सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। इतने गाने गाए हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं, 2000 गाने समझ रहे हैं, 20 साल से गाना गा रहे हैं, फिर भी सरकार से अभी तक कुछ नहीं मिला है, ठेंगा मिला है। अगर झारखंड के माटी ऐसन गढ़लाई कते वीर, सिद्धू कानू शेख भिखारी बिरसा भगवान, चांद भैरव जैसन वीर, सिद्धू कानू बिरसा भगवान के माटी, चांद भैरव विनोद बाबू के माटी, झारखंड माटी कैसन कैसन गढ़ ले गुरु, बोला जय हो, बोला जय हो, जय हो, जय जय हो, जय झारखंड, जय जय झारखंडी। नमस्कार जोहार झारखंड, मैं अभी एक ऐसे शख्स के पास हूँ जो पहचान के मोहताज नहीं है और साथ साथ अपने पहचान के साथ साथ झारखंड का भी पहचान इन्होंने एक अलग मुकाम तक पहुंचाया है अपने गीतों के माध्यम से, गानों के माध्यम से। जी हाँ, मैं सतीश दास के पास पहुंचा हूं और सभी जानते हैं कि सतीश दास क्या चीज़ है। लगातार आज 20-22 सालों से हिट गाना दे रहे हैं और खोटा में ऐसे ऐसे गाना दिए हैं कि झारखंड में लोग उसको बजाते हैं, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन वगैरह हर चीज़ में बजाते हैं। और इसी क्रम में अभी एक गढ़वा में एक आभार यात्रा, जोहार यात्रा एक निकाला जा रहा है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बोल सकते हैं, या फिर झामुमो के नेतृत्व में, और उसमें बाहरी कलाकार को बुलाया गया है। उसी क्रम में भी बातचीत होगा, बाकी बहुत सारा बातचीत होगा। अगर आप लोग वीडियो भी बने रहे, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आप लोग वीडियो को जरूर देखें। दादा सबसे पहले आपका जोहार करते हैं। जोहार। और सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि आप जो है खतियानी गाना क्यों गाते हैं? से आप बहुत सारे खतियानी गाना गाए जब जब से भाषा आंदोलन स्टार्ट हुआ। जी नहीं, हम मेरा ये जो गाना है उससे पहले भी गाए हैं। हाँ, उससे हाँ। तो क्यों गाते हैं सबसे पहले? क्यों गाते नहीं है, देखिए बात हाँ। ऐसा है ना कि आंदोलन जो हुआ हमारे झार भाषा को लेकर के झारखंड में, तो ये गाना उस समय चला, उस समय बजा, लेकिन गाना मेरा उससे पहले का गाया हुआ। अच्छा, पहले का गाना, पहले का ही गाना गाया हुआ है। उसके बाद भी कुछ? जी बिल्कुल, जैसे हम लगे किसान के बेटा है ना, हम लगे किसान के बेटा का अगला लाइन थोड़ा बोलिए। हाँ, हम लगे किसान के बेटा हार ज्योति खाए। उसके बाद क्या है? माटी संगे लड़के सोनवाओ गायब, उसके बाद थोड़ा सा झारखंडी भाई सोना रकम झारखंड छोड़ी हमने परदेश का है। ये जो लाइन है आप गा रहे हैं, सोना रकम झारखंड छोड़ी परदेश क्यों जाए। हाँ। और परदेश का जो अभी आके सोना झारखंड में आ रहा है और वो कलाकार आ रहा है यहाँ रंग बिखरने के लिए, जी बिल्कुल, आपको कैसा फील हो रहा है कि आप इस तरह का गाना गा रहे हैं कि सोना रकम झारखंड छोड़ के हम क्यों जाएंगे? हाँ। और बाहर का परदेश क्यों जाएंगे, और परदेश का जो कलाकार आ रहा है झारखंड में और आप लोगों का जो मतलब वैल्यू है वो घट रहा है कहीं ना कहीं, आप लोगों को जो मौका दिया जाना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। बिगड़वा में ऐसा ही होने वाला है, प्रदेश का कलाकार आएगा यहाँ पे रंग जादू चलाएगा, कहीं ना कहीं लोग भी एंजॉय करेंगे, साथ साथ जब नेता मंत्री जब सरकार जब उसी तरह है तो लोग भी एंजॉय करेंगे, भीड़ तो आएगा ही। कैसा लगता है इसमें? यहाँ दुख होता है कि हमारा यहाँ के जो कलाकार है उनको आप भूल भूल करके और बाहर से बाहरी कलाकारों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को भूल जा रहे हैं। यहाँ दुख की बात है, हमारे लिए तो दुख की बात है। बिल्कुल, आप लोग दादा जिस लेवल पे काम करते हैं, आप अकेले तो नहीं हैं, आपके पीछे मतलब आपके गानों से लगभग कितने घर चलते होंगे, कितने चैनल चलते होंगे, कितने स्टाफ? जी मेरे ही साथ है, कम से कम 20-25 लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आपके साथ? जी बिल्कुल। उसके बाद फिर चैनल्स जो आपका गाना लेते हैं, हाँ, उनका भी तो घर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे खोटा को, इतना लोगों का घर चला रहे हैं
और लोग सरकार जो है आपके घर को नहीं देख रहे हैं, आपका घर कैसे चलेगा, आपको अगर प्रोत्साहन नहीं करेगा, आपको अगर स्टेज पे नहीं बुलाएगा। आप आज यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग कर रहे हैं, अगर यूट्यूब नहीं रहे दादा तो कहीं ना कहीं आप लोग स्टेज शो कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, स्टेज शो अगर उस टाइप का अगर अपॉर्चुनिटी आप लोग को नहीं मिले तो आप लोग फिर क्या कीजिएगा, आप तो बेघर हो जाइएगा। बिल्कुल, कुछ दिन पहले की ही बात है, जब जिस समय सीडी सीडी का दौर था, ऑडियो कैसेट का दौर था, उस समय स्थिति हम लोगों की काफ़ी अच्छी थी। हम लोग कोई भी ऑडियो या सीडी बनाते थे तो हम लोगों को ऐसा रकम मिल जाता था कि हम लोग का घर परिवार बढ़िया से चलता था। लेकिन सीडी का दौर खत्म होने के बाद हम लोगों की स्थिति दयनीय हो गई थी। बिल्कुल, कहाँ से दो पैसा इनकम हो, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम लोग कहाँ से दो रुपया इनकम होगा। लेकिन जी बिल्कुल, उस समय हम लोग बहुत ही बुरा स्थिति में गुजरे हैं, वो दौर जो हम लोग का गुजरा है। आज YouTube का दौर है तो बहुत सारे YouTube चैनल हैं और गाना गवाने वाले हैं यूट्यूबर्स, तो यहाँ आज दिक्कत नहीं है, सबको रोजगार है। लेकिन कुछ दिन पहले बहुत दिक्कत था हम लोगों को, क्योंकि उस टाइम 2G 3G का जमाना था जी, हर साहब के पास बड़ा फोन जी बिल्कुल, और अभी थोड़ा आपका अपना बिजनेस हो गया, जैसे यूट्यूब आ गया, यूट्यूब में डालते थोड़ा बहुत जो इनकम आ जाता है, लेकिन अगर आप लोगों को इस तरह का अपॉर्चुनिटी दिया जाता, बड़ा बड़ा प्रोग्राम पे बुलाया जाता, कहीं ना कहीं आपका कद बढ़ता। जी बिल्कुल बिल्कुल, कद बढ़ता। आज अगर अक्षरा सिंह को गढ़वा में बुलाया जा रहा है तो दूसरा भी देख रहा है, दूसरा राज्य भी देख रहा है, राज्य भी देख रहा है, मुख्यमंत्री के सामने जाकर परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब उसका कद बढ़ रहा है। अगर आप लोगों को उस तरह का कद बढ़ता तो कहीं ना कहीं आपका आर्थिक स्थिति भी बढ़िया होता और झारखंड की कल्चर संस्कृति जो वो भी आगे बढ़ता, वो भी आगे बढ़ती। आप फैन हैं तो आप बुलाइए ना भाई, अमिताभ बच्चन को बुलाइए। आपको इस तरह मौका मिला है दादा कि मतलब शाहरुख खान को बुलाए के सामने? लेकिन मेरा यही कहना है कि आप अपने लोगों को, यहाँ के लोगों को ना भूल जाएं। यहाँ पे नागपुरी में अच्छे अच्छे कलाकार हैं, संथाली में हैं, खोरठा में हैं, बांग्ला में है, तो आप इनको प्रोत्साहन दें, इनको भी लेकर के चले साथ में। आपको कभी ऐसा मौका मिला है कभी बड़े बड़े विधायक सांसद मुख्यमंत्री के सामने परफॉर्मेंस देने को, इस तरह जिस तरह? नहीं, इस तरह का कुछ विशेष तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ कुछ खास कार्यक्रम में इन लोगों का, जैसे मुख्य अतिथि के रूप में ये लोग आते हैं तो उनसे मिलना मिलाना हो ही जाता है। अच्छा, मतलब इस तरह का नहीं होता है, बड़े लेवल पे? जी, बड़े लेवल पे कार्यक्रम रखा गया, ये सरकारी कार्यक्रम है सरकार की ओर से, और इस तरह के कार्यक्रम में हम लोगों को मौका नहीं मिला। अगर मौका मिलता तो कहीं ना कहीं खोटा कल्चर और आगे बढ़ता, और आगे बढ़ता। बिल्कुल, तो आपके दादा जो आपको देखकर जो इंडस्ट्री में जो लोग जुड़ रहे हैं, अगर वो तो देख रहे हैं कि अगर सतीश भैया को इस तरह मौका नहीं दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उन लोगों का मनोबल जरूर टूटेगा। जी, मनोबल टूटेगा ही। मान लीजिए मेरे 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 बाद जो कलाकार आए हैं मेरे बाद, तो आज वो लोग देखते हैं कि सतीश दा का क्या पोजीशन है या किस जगह पे है, सरकार की ओर से उनको क्या बेनिफिट्स मिले हैं। लेकिन जब देखेंगे कि नहीं, सतीश भैया तक का तो कुछ भी नहीं है, तो उन लोग वहाँ पे उन लोगों का मनोबल टूटता है और वो लोग सोचते हैं कि भाई इसमें करके कोई फायदा नहीं है, क्या फायदा है खोटा भाषा करके, इतना दिन से सतीश दा गा रहे हैं, आज तक कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला है उनको, सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है, तो यहाँ पे तो उनका मनोबल टूटता ही है। बिल्कुल, कौन सा भाषा में दादा आप गाना अभी तक गा चुके हैं? मेरा तो जैसे हम स्टार्ट किए थे, शुरू जब किए थे, तो मेरा तो मुख्य भाषा खोटा ही है, तो अपने भाषा को तो लेके गाई है, गाई है, उसके बाद फिर नागपुरी भी गाए हैं, बांग्ला भी गाए हैं, भोजपुरी भी गाए हैं। कब से गाना स्टार्ट किए? गाना 2000 से गाना शुरू किए। अभी तक कितना गाना गा चुके हैं? लगभग 2000 जी। और उसके बाद अभी कैसा लगता है कि जिस तरह आंदोलन हुआ उसके बाद से हर जगह थोड़ा बहुत खोटा को मिला है वैल्यू और हर जगह शादी ब्याह पार्टी में बज रहा है, कैसा फीलिंग होता? बिल्कुल है? बिल्कुल, कहीं से अगर गुजरते हैं, अगर आपके गाने आप ही सुन रहे हैं, यहाँ मैं जयराम महतो जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके वजह से पूरा माहौल खोटामय हो गया था और बहुत ही प्रभाव पड़ा है इस आंदोलन से और ये भाषा काफ़ी हद तक ऊँची गई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं झारखंडियत की बात करते हैं और झारखंडी कलाकार को दरकिनार कर बाहर से जिस तरह बुला रहे हैं, तो जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने लोगों को ना भूलें और जिस तरह आप सबका ध्यान रखते हैं पूरे झारखंडवासी का, तो उसमें हम लोग भी आते हैं, एक एक हम लोग का भी अपना जगह है कलाकारों का, तो उनको भूले नहीं, उनको प्रोत्साहन दे, यही उम्मीद करेंगे आपसे। वो जो नए कलाकार आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में जी, उसको किस तरह आप ये कीजिएगा कि मतलब जुड़े खोटा से, कि खोटा में लाइफ है नहीं है, या फिर खोटा में लाइफ नहीं है मत जुड़ो, या किस तरह उसको बोलेंगे कि वो खोटा में आएंगे?
क्योंकि शुरू शुरू जो होते हैं वो सोचते कि नहीं कोटा में लाइफ वगैरह नहीं है, कोटा के वैल्यू नहीं है, क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई कोटा में नहीं आना चाहता? ये तो बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ बड़ा कार्यक्रम हम लोगों के लिए नहीं है। बड़ा बड़ा मंच जब होता है इस तरह का तो बाहर के लोगों को बुलाया जाता है। आज अक्षरा सिंह आ रही हैं और भी कुछ भोजपुरी कलाकार हैं, आठ आठ कलाकार बाद में भी आई थी। हाँ, तो इस तरह के कार्यक्रम में 40-50 लाख का बजट होता है इन लोगों के लिए, और यहाँ के कलाकारों के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ तो दिक्कत की बात है, यहाँ इस तरह का कोई बेनिफिट हमारे लोगों को मिलता नहीं है, हमारे कलाकारों को मिलता नहीं है। संदेश यही है कि हमारा कि झारखंड कलाकारों को कहीं भी बुलाता है तो कम बजट में बुलाता है, बाहरी कलाकार आते हैं तो बहुत बजट है। दादा, अगर हेमंत सोरेन का अगर मैसेज आता जी कि आपको गढ़वा में परफॉर्मेंस करना है जी, अगर वो बोलते कि कितना पैसा लीजिएगा या आपका क्या डिमांड है या आप कितना रकम लीजिएगा इस यहाँ प्रोग्राम करने के लिए, तो आप वहाँ पे ये चीज़ आप डिमांड करते हैं ना, डायरेक्ट चले जाते हैं? सिर्फ आपको तेल खर्चा अगर मिल जाता तो आप जाते कि नहीं? बिल्कुल जाते, क्योंकि अगर वहाँ जाते तो कहीं ना कहीं मेरा भी हौसला बढ़ता और क्या उत्साह बढ़ता, और इतने झारखंड के लोग मुझे देखते तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती अगर इस तरह के कार्यक्रम में अगर मैं जाता। लेकिन जो बाहर के कलाकार होते हैं पहले उन लोग फिक्स होता है उसके बाद वो आते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अगर झारखंड के कलाकार को मौका दिया जाता तो इन लोग बोलते नहीं कि हमको पैसा चाहिए, सिर्फ वो डायरेक्ट चले जाते, उसके बाद जो मन करे वो दे दीजिए दे दीजिए। हाँ दादा, कोई खतियानी गाना सुनाइएगा। क्यों नहीं, हम लोग बहुत झारखंड आंदोलन में बहुत बड़ा हिट हुआ गया ना। झारखंड के माटी ऐसन गढ़लाई कते वीर, सिद्धू कानू शेख भिखारी बिरसा भगवान, चांद भैरव जैसन वीर। सिद्धू कानू बिरसा भगवान के माटी, चांद भैरव विनोद बाबू के माटी, झारखंड माटी कैसन कैसन गढ़ ले गुरु, बोला जय हो, बोला जय हो, जय हो, जय जय हो, जय झारखंड, जय जय झारखंडी। और एक गाना किसान के लिए, ये वीडियो स्पेशली किसानों के लिए समर्पित है। बिल्कुल बिल्कुल, और तमाम जो हमारे सब किसान भाई उनके लिए किसान माटी जो। हम लगे किसान के बेटा हार ज्योति खाए, माटी संगे लड़के सोनवा गायब हो झारखंडी भाई, सोना रकम झारखंड छोड़ी हमनी परदेश काहे जाए, झारखंडी भाई सोना रकम झारखंड छोड़ी हमनी परदेश काहे जाए। और एक क्वेश्चन दादा कि अगर सरकार से अगर मदद मिले अगर खोटा इंडस्ट्री को तो कितना बेहतर बन सकता है ये इंडस्ट्री? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, अगर कलाकारों को कुछ मदद मिले, प्रोत्साहन मिले तो हमारी जो खोटा इंडस्ट्री है अभी तक ठीक से बन नहीं पाई है, अगर तो बहुत मदद मिलेगी, और कलाकारों को बहुत मदद मिलेगी, उनको उनका उत्साह बढ़ेगा और इस क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे। शुरू शुरू में जब गाना गा रहे थे तो चूंकि धनबाद बोकारो में ज़्यादा बाहरियों का मतलब है जनसंख्या, बाहरी राज्य के लोग आगे यहाँ पे बसे हुए हैं, शुरू शुरू में गाना गा रहे थे खोटा के 2, 3, 4 के बीच में, कैसा लोग नज़र से देख रहे थे ये गाना को, इस खोटा गाना को? मेरा मानना है कि देखिए संगीत में कोई बाहरी भीतरी नहीं होता है, किसी को अगर कोई चीज़ अगर मान लीजिए दिल से पसंद है कोई भाषा या कोई गाना तो वो सुनेंगे। हम लोग भी यहाँ आपका छत्तीसगढ़ी भाषा सुनते हैं या आपका बंगला सुनते हैं, आपका भोजपुरी भी सुनते हैं, तो भाषा ये क्या बोलते हैं कला के क्षेत्र में इसमें कोई किसी चीज़ को लेकर के आप ये नहीं बोल सकते हैं कि चलिए भाई ये भाषा को ही लेके चलते हैं, ये इसी को सुनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और आखिरी संदेश क्या रहेगा व्यूवर्स के लिए? मैं तो अपने श्रोताओं से यही हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि खोटा भाषा को आप लोग प्रोत्साहित करें और आगे लेकर जाएं। ये थे हमारे खोटा सिंगर, सुपर स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं, खोटा को इतने लेवल तक पहुंचाएं, 2000 गाने अभी तक गा चुके हैं। अगर सरकार से इनको मदद मिले, खोटा इंडस्ट्री को मदद मिले तो ये बहुत ऊपर लेवल तक जा सकते हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इनकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने गाने गाए हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं, 2000 गाने समझ रहे हैं, 20 साल से गाना गा रहे हैं, फिर भी सरकार से अभी तक कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला है, अगर मिला
तो बहुत ये इन लोग आगे तक जा सकते हैं। लेकिन यहीं पे सरकार बाहरी राज्यों से कलाकारों को लाकर मौका देती है, लगभग बड़ा बजट के साथ पैसा को, जनता की पैसा को गाड़ी कमाई का जो है बर्बाद किया जाता है, या उनकी पार्टी का पैसा, पैसा तो जरूर बर्बाद होता है।